Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. This is Caribbean's channel. और आज मैं बहुत दिनों के बाद, दिनों के तो नहीं महीनों के बाद वीडियो पोस्ट करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही स्पेशल वीडियो है आप व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में, आपने थंबनेल और टाइटल तो देख लिया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है. तो यस, आज जो है मैंने इस मंथ जो है अर्निंग की है यूट्यूब से. तो थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, माय ऑडियंस, जस्ट बिकॉज ऑफ यू आज मुझे ये अर्निंग हुई है. तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी हिस्ट्री शेयर करूँगी कि इस चैनल पे मैंने काम कैसे स्टार्ट किया और कैसे मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई है. तो आई विल शेयर सम पॉइंट्स विथ यू. तो अगर आपके लिए मेरी पॉइंट्स हेल्पफुल हो तो आप लोगों के क्या करना है, आप लोगों को सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है. वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है, अगर नहीं भी आए तो आप लोग कमेंट में बताएं कि क्या आपको चीज़ समझ नहीं आई. आई विल अपलोड अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक, राइट. तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने ये चैनल कैसे स्टार्ट किया. मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की थी इस चैनल पे, कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं की थी. सिंपल एक मेरा फ़ोन है J7 Max, वो मैंने जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था तभी भी मैंने ये बात की थी कि मैंने कोई ख़ास कैमरा इस चैनल के लिए नहीं लिया. कोई मेरा इरादतन ऐसा नहीं था कि मैं एक यूट्यूबर बनूंगी और मैं काम स्टार्ट कर दूंगी इस पे. एक स्मॉल यूट्यूबर हूँ, एक बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ. थाउजेंड्स में सब्सक्राइबर्स है, व्यूज़ भी थाउजेंड्स में आते हैं, तो इट मीन्स अ लॉट फॉर मी. यस, पर एक स्मॉल यूट्यूबर हूँ. तो इस चैनल के लिए मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, खास मोबाइल नहीं है, एक स्मॉल सा छोटा सा J7 Max मोबाइल है. इसके थ्रू मैं ये अभी भी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और जो भी प्रीवियस वीडियोस थी मेरी वो इस मोबाइल के थ्रू मैंने रिकॉर्ड की हैं, सही है? तो मैं इस चैनल पे पहले तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी कि मैं वीडियोज़ किस टाइप की अपलोड करूँ. तो स्टार्ट मैंने एक ट्यूटोरियल से लिया था, मेकअप ट्यूटोरियल से. फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी स्किल कौन सी शो करूं. मुझे खुद पता नहीं लग रहा था कि मुझ में कौन सी स्किल है जो मैं इस चैनल पे दिखाऊं. तो पहले मैंने मेकअप ट्यूटोरियल किया, देन कुकिंग की, जो आम से डेली रूटीन में मैं काम करती जा रही थी, तो मैंने वो वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दी. लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी एक वीडियो जो है वायरल हो गई, जो कि मेरा एक लेब परफॉर्मेंस थी, लेब में मैंने परफॉर्म किया था अपना प्रैक्टिकल जो कि था प्रिपरेशन ऑफ कार्बोमर जेल. तो मैंने सोचा कि इस चैनल में अगर ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, और इसके अलावा दूसरी वीडियो भी मेरी वायरल हुई थी जो कि थी हाउ टू प्रिंट PDF नोट्स. अगर आप मेरे चैनल में जाएं और देखें कि इन पे जो व्यूज़ हैं वो 50+ व्यूज़ हैं, 70+ व्यूज़ हैं. तो अकॉर्डिंग टू दीज कंपेयर किया जाए अगर ये दो वीडियोज़ और मेकअप ट्यूटोरियल्स और कुकिंग वाली वीडियोज़, तो ये ज़्यादा वायरल थी मेरे चैनल पर. तो मुझे समझ आई बात कि अगर मेरी एजुकेशनल वीडियोस जो हैं वो वायरल ज़्यादा हैं, तो मुझे अपने चैनल का जो व्यू है वो एजुकेशन की तरफ लेके जाना चाहिए. तो मैंने सोचा कि इस चैनल पे एजुकेशनल जो है वीडियोस अपलोड करूँगी और सम हाउ कभी कभार व्लॉग्स भी अपलोड कर लूँगी, जो कि जैसे आपके साथ अभी यूट्यूब की बातें शेयर कर रही हूँ. तो ये होता है कि आपको अपनी स्किल आहिस्ता आहिस्ता पता चलती है कि मुझ में, मेरे चैनल में खास थिंग कौन सी है कि जो कि मुझे चैनल पे अपनी रन करनी चाहिए. ठीक है, तो ये था एक इंट्रोडक्शन ऑफ माय चैनल. ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्राइटेरिया क्या है मोनेटाइजेशन का, असल में मोनेटाइजेशन होती क्या है. तो सिंपली मोनेटाइजेशन ये होता है कि पहले ये होता था कि यूट्यूब चैनल बनाया, मोनेटाइज हो गया एंड देन अर्निंग स्टार्ट हो गई. अब ऐसा है कि पॉलिसीज़ बहुत सारी चेंज होती गई. जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तो ये मेरी पॉलिसी थी कि आपको चैनल मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट होने चाहिए, जो कि एक बिग टास्क है एक यूट्यूबर के लिए, बिग डिफ़िकल्ट टास्क है. डिफ़िकल्ट भी नहीं है, पर यह है कि आप मेहनत से डेली रेगुलरली जब तक आपका चैनल मोनेटाइज हो, अगर आप अपलोड करते जाएंगे तो आपका इंशाल्लाह वॉच आवर्स एंड सब्सक्राइबर्स डे बाय डे कंप्लीट होते जाएंगे. पर अगर आप एक वीडियो अपलोड करते हैं एक महीने में, दूसरी वीडियो दूसरे महीने में, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आपका चैनल डेड है. जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो वो एक दिन छोड़ के या रेगुलर वीडियो अपलोड करें. ठीक, तो क्राइटेरिया आपको पता चल गया कि चैनल मोनेटाइजेशन का क्या है, 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर्स. 4000 वॉच आवर्स, यस, ये क्राइटेरिया है. तो इस तरीके से मेरी चैनल जो है मोनेटाइजेशन की तरफ चल गया. तो मुझे मोनेटाइजेशन में काफ़ी टाइम लगा चैनल को मोनेटाइज करवाने में, मतलब होने में, चैनल को मोनेटाइज होने में
काफ़ी सारा टाइम लगा, जब मतलब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कितने महीने लगे, लेकिन लगा बहुत, एक साल के करीब तो लगा ही लगा था मेरे चैनल को मोनेटाइज होने में। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने फिर भी अपने चैनल को टच में रखा। बीच बीच में मैं सैड होती गई कि मैंने कहा कि वीडियोज़ पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, चैनल पे सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, फिर भी मैंने जो है चैनल को टच में रखा, मतलब छोड़ा नहीं, कम्प्लीटली उसको लॉस्ट नहीं किया, टच में रहती गई। तो उसके बाद ये हुआ कि चैनल मोनेटाइज हो गया। उसके बाद एक टारगेट होता है आफ्टर मोनेटाइजेशन, आपका यूट्यूब चैनल विद गूगल के साथ अटैच करवाना होता है, लिंक करवाना होता है। तो वो मैंने कैसे किया, मतलब हर यूट्यूब का जो स्टेप होता है फॉर वर्किंग क्राइटेरिया, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करते, आप उसको समझते नहीं हो, आप उसको सर्च नहीं करते हो, तब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि वैसे ये यूट्यूब का जो भी स्टेप्स है वो काम कैसे करता है। जैसे कि अब फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब जो है उसको लिंक करवाना है विद द एडसेंस अकाउंट। अब आप लोगों को मैं एक सजेशन दूंगी कि जब भी आप YouTube चैनल को एडसेंस अकाउंट के साथ लिंक करें तो एडसेंस का जो गूगल का अकाउंट है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। ऑन द स्पॉट आप बनाएं, क्रिएट करें, न्यू ईमेल बनाएं और न्यू अकाउंट गूगल को उसके साथ अटैच कराएं। मैं इसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये मिस्टेक मैंने की हुई है। मेरा जो अकाउंट था गूगल का, वो मैंने पहले बिफोर YouTube मैंने गूगल एड्स में अकाउंट बनाया था, गूगल एड्स में। तो मेरा अकाउंट गूगल एड्स में बना हुआ था, तो अटैच कर रही थी यूट्यूब के साथ, तो वो बहुत टाइम लगा रहा था और बहुत जो है, मैं आपको स्क्रीनशॉट उसका दिखा दूंगी कि क्या मैसेज वो शो कर रहा था, तो वो अटैच नहीं हो पा रहा था, लिंक नहीं हो पा रहा था यूट्यूब के साथ। तो बहुत वेट किया मैंने सोचा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ऐसे होता है कि यूट्यूब की जो वीडियोज़ होती हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपने कोई वीडियो अपलोड की है, उसमें आपने म्यूज़िक डाला है, उस पर कॉपीराइट आता है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि कॉपीराइट की वजह से आपका गूगल एडसेंस अकाउंट लिंक नहीं होता यूट्यूब के साथ। सेकंड कि आपने जो कंटेंट अपलोड किया है यूट्यूब पर, तो वो कंटेंट किसी और का चैनल का ना हो, मतलब कॉपीड ना हो, तो वो कॉपी क्लेम करता है आपका जो दूसरे चैनल का मालिक होता है, तो वो आपके ऊपर क्लेम करता है कि दिस मटीरियल इज़ माइन, ही हैज़ कॉपीड दैट मटीरियल। तो ये भी एक रीज़न होता है कि आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो लिंक नहीं हो पाता यूट्यूब चैनल के साथ, राइट? तो कुछ रीजंस ये होते हैं, और ऊपर से वल्गर वीडियोस होती हैं तो उनके भी इतना मोनेटाइज नहीं हो पाता है एडसेंस के साथ। मोनेटाइज तो वो हो जाते हैं लेकिन एडसेंस अकाउंट जो है लिंक नहीं हो पाता। अब एडसेंस अकाउंट हम लोग क्यों लिंक करवाते हैं, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अगर आप गूगल एडसेंस अकाउंट उसके साथ लिंक करेंगे तो आपके चैनल पर एड आएंगे, ठीक है, गूगल वालों की तरफ से एड आएंगे, तो आपको जाहिर सी बात है अर्निंग होगी, तो वो अर्निंग आपके एडसेंस अकाउंट में जाएगी और एडसेंस अकाउंट आपको ट्रांसफ़र करके देगा। तो ये रीज़न है हम लोग गूगल एडसेंस अकाउंट लिंक करते हैं विद द यूट्यूब चैनल, राइट? उसके बाद ये है कि थर्ड स्टेप ये होता है कि आपने गूगल एडसेंस अकाउंट लिंक कर लिया यूट्यूब के साथ, उसके बाद ये होता है कि पिन वेरिफिकेशन का स्टेप होता है कि 2-3 महीनों के बाद आप सोचते हैं कि गूगल एडसेंस अकाउंट हमने लिंक कर लिया, अब क्या होगा। अब उसमें ये होता है कि आपको पिन के लिए अप्लाई करना होता है। सिंपली पिन के लिए आप क्यों अप्लाई करते हैं, तो पिन के लिए हम लोग सिंपली इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि हमारी एड्रेस की वेरिफिकेशन आ जाए और हमारा जो आइडेंटिटी कार्ड है वो भी वेरीफाई हो जाए, तो हमारी अर्निंग स्टार्ट हो और अर्निंग हमारे पास ही आए, ठीक है। तो जब आपका मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है वो $10 हो जाए, वो मैं थ्रेशोल्ड का आपको पिक्चर दिखा दूंगी साइट पे, कि $10 हो जाएगा तो हम लोग पिन वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। 3 times आपको चांसेस होते हैं, 3 times। मेरे साथ ये था कि मैंने 3 times अप्लाई किया था तो मेरे पास पिन नहीं आई थी गूगल वालों की तरफ से। जो मेरी फ्रेंड्स रहती थी आउट ऑफ कंट्री लाइक US, कनाडा, तो इनके ऑफिसेस गूगल वालों की वहाँ हैं लेकिन हमारे पाकिस्तान में नहीं है, तो उनको बहुत टाइम लगता है, एक मतलब 1-2 महीने लग जाते हैं, और स्पेशली लॉकडाउन लगा हुआ था तो मेरे पास पिन नहीं आ रही थी, स्पेशली सिंध में इतना बहुत डिफ़िकल्ट से लोगों को आ रही थी। तो इसके लिए गूगल वालों ने एक ईजी वे रखा है कि आपका 3 times हो जाए, 4th chance भी उन्होंने लॉकडाउन में दिया था, तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें ये सारी चीज़ें, तो मैं इनके लिए स्पेशली अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ऑनलाइन पिन वेरिफिकेशन के लिए मैंने क्या किया, सिंपली ID जो है अपनी शनाख्ती कार्ड की जो तस्वीर होती है, वो शनाख्ती कार्ड तस्वीर किसकी,
जिसका गूगल अकाउंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अपना जो गूगल अकाउंट लगाया था वो मेरा नहीं लगा था। इसका रीज़न मैंने आपको बताया कि क्योंकि मैंने गूगल एड अकाउंट बनाया था पहले, बिफोर यूट्यूब। तो मैंने अपने हस्बैंड की आईडी जो है अपने हस्बैंड की आईडी जो है वो मैंने अटैच की थी यूट्यूब के साथ, गूगल वाली। तो फिर मैंने उनकी आइडेंटिटी के थ्रू अपना एडसेंस अप्रूव करवाया था, पिन वेरिफिकेशन करवाई थी। ये भी रीज़न होता है, लोग मिस्टेक करते हैं कि गूगल एड वाला अकाउंट किसी और का होता है, अपना होता है, और वेरिफिकेशन नहीं, किसी और का लगा है और वेरिफिकेशन के लिए अपनी आईडी अपलोड करते हैं। तो ये मिस्टेक होती है, गूगल इसको रॉन्ग करार देता है, राइट। तो आपकी जो आईडी अपनी एनआईसी की है, गूगल में भी नेम वो हो, आईडी में भी नेम वो हो। अगर गूगल में एड इंग्लिश में है तो आईडी में इंग्लिश नेम हो, सही। तो ये जो मैं बात आपको बता रही हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपका गूगल अकाउंट आपके नाम पे है तो आपकी आइडेंटिटी भी आपके नाम पे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका गूगल अकाउंट इंग्लिश में बना हुआ है तो आपकी आइडेंटिटी पे भी इंग्लिश नेम हो, तभी जो है गूगल इसको वेरीफाई करेगा और आपकी ऑनलाइन पिन वेरीफाई हो जाएगी, जैसे मेरी हुई है, आप स्क्रीन शॉट में देख लीजिएगा। उसके बाद जो स्टेप आता है कि अर्निंग कितनी हो जो आप निकलवा सकें, ठीक है। निकलवाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि पहले तरीका होता था वेस्टर्न यूनियन का, अब वो नहीं है क्योंकि मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ और मेरे जब थ्रेशोल्ड पूरा हुआ तो वेस्टर्न यूनियन वाला ऑप्शन ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैंने जो है बैंक लिंक किया उसके साथ, बैंक अकाउंट का लिंक उसके साथ किया, ठीक है। अगर ये स्टेप भी आपको समझना है तो मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ कि मेरे यूट्यूब में मेरे साथ कौन से प्रॉब्लम्स आए और मैंने कैसे उसको सॉर्ट आउट किया है, ठीक है। मैंने सर्चिंग अलॉट की, सर्चिंग जो है मैंने बहुत की और उसको समझा उन प्रॉब्लम्स को, एंड देन मैंने खुद ही उसको सॉर्ट आउट किया है मैंने अपने चैनल में जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आपका थ्रेशोल्ड 100 हो जाएगा, मतलब $100 हो जाएंगे, तो आपके गूगल एडसेंस क्या करता है कि वो आपका अमाउंट जो है आपको बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो अगर बैंक के, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आपकी एड्रेस पे भी आ सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपना बैंक अकाउंट उसमें लगाएं। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपने हस्बैंड, अपने फादर, अपने ब्रदर, अपनी सिस्टर, अपनी मदर, किसी का भी लगा सकते हैं, ये गूगल लीनियंसी देता है, ठीक है। तो गूगल के जो रूल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट में उन्होंने लीनियंसी दी है, लेकिन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जो गूगल अकाउंट है वही आपकी आईडी हो, तो ये उन्होंने लीनियंसी नहीं दी, और ये बहुत अच्छा रूल है। उसके बाद मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि बैंक अकाउंट कौन सा लिंक करें। फॉर एग्जाम्पल मेरी इस मंथ अर्निंग हुई थी $107.16, ठीक है। तो ये मेरी अर्निंग थी, तो ये जो मैंने बैंक अकाउंट लिंक किया था वो HPL का बैंक अकाउंट लिंक किया था मैंने, तो इसमें मेरी डिडक्शन बहुत हुई। मेरी पेमेंट उन्होंने, पेमेंट रिसिप्ट में इन्होंने इतनी भेजी जितनी उन्होंने लिखी है, लेकिन मुझे रिसीव जो हुए अकाउंट में $84 हुए, तो बीच में जो 4,000 थे वो मेरे गायब हो गए, सिंपल। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि HPL का अकाउंट मत लिंक करवाएं, UBL का करवाएं, ठीक है। क्यों मैं UBL का करवा रही हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स का अकाउंट जो है UBL का अटैच्ड है, दोनों में जीरो जो है डिडक्शन होती है, सिंपल। तो मैं अभी नेक्स्ट मंथ से अपना UBL का अकाउंट इंशाल्लाह करवाऊंगी, अपने एडसेंस के साथ HPL काट लूंगी। तो इससे ये है कि अर्निंग बहुत अच्छी होती है YouTube से, और YouTube जो है आपको इजीली ट्रांसफर करेगा विदाउट एनी डिडक्शन ऑफ योर मनी, राइट। तो ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट YouTube के रिगार्डिंग, अर्निंग के रिगार्डिंग। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं YouTube से अर्निंग करूँगी, मेरा अपना शौक था कि मैं स्किल जो है अपनी जो मुझ में स्किल्स हैं वो मैं शो करूँ। YouTube एक आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, इट्स योर प्लेटफॉर्म, एक आपका अपना प्लेटफॉर्म है। जब आपका दिल चाहे आप वीडियो अपलोड करें, जब आपका दिल ना चाहे आप वीडियो अपलोड ना करें। जॉब में ये होता है कि रेगुलरली जाना है और आप किसी के अंडर हैं, YouTube एक बिजनेस है आपके लिए। अगर आप सच्चे दिल से और अपनी मेहनत और लगन से आप अपना पैशन जान लेंगे ना कि आपकी स्किल किस चीज़ में है, तो सीरियसली आपको आपकी वीडियोस को वायरल, मतलब महीने भी नहीं लगेंगे आपकी वीडियोस वायरल हो जाएंगी। अगर वो नीड है लोगों की, तो आप देखें मार्केट में लोगों को किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की नीड है मार्केट में, किस चीज़ की सैचुरेशन है। अगर जिस चीज़ की सैचुरेशन है आप उस सैचुरेशन में मत इंक्लूड हों, क्योंकि उसमें कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल है। जो चीज़ मार्केट में नहीं है हम लोग उसमें अपना पांव डालें और उसमें मेहनत करें। फॉर एग्जांपल मुझे पता था कि फार्मेसी के लेक्चर्स यूट्यूब पर इतने नहीं हैं, मैं खुद स्टूडेंट हूँ तो मैं सर्च करती थी तो मुझे इतने नहीं मिलते थे। फॉर एग्जांपल
जैसे फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल इतने नहीं होते थे, तो मैंने सोचा फार्मेसी के इतने लेक्चर्स नहीं है तो मैं फार्मेसी में अपना चैनल खोलूँगी एजुकेशनल पर्पज से। तो आप इस तरीके से अपनी मार्केट सर्च करें कि आपकी आपकी जो स्किल है वो किस लिहाज से सूटेबल होगी, राइट। आखिर में मैं कुछ मोटिवेशन आपको देना चाहूँगी कि मोटिवेशन में ये तो आपको पूरे स्टेप्स बताए मैंने कि आपको चैनल पे क्या क्या करने हैं और आपको चैनल में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और उनको सॉल्व कैसे करना है, राइट। तो मोटिवेशन में ये कहूँगी कि पहले तो आप यूट्यूब चैनल बनाएंगे तो डीमोटिवेट आपको अपने ही करेंगे घर वाले, जैसे कि आपके अगर पेरेंट्स रहते हैं, अगर अच्छे पेरेंट्स हैं, अगर आपको अपने पेरेंट्स आपकी फीलिंग्स को समझेंगे तो वो कभी डीमोटिवेट नहीं करेंगे। तो आपके जो अपने घर में जो लोग होते हैं ना, फर्स्ट दे विल डीमोटिवेट यू, दे विल से कि ये क्या है, ये क्या कर रही हो, इससे तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज दे हैव नॉट एक्सपीरियंस, दे हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ दिस थिंग। यू हैव एक्सपीरियंस, हाउ? बिकॉज यू हैव सर्च्ड इट, यू हैव रियलाइज दैट दिस मस्ट बी अ गुड थिंग, क्योंकि आपको पता है। उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया, उनको नहीं पता हो सकता, बिकॉज दे उन्होंने अपनी ये सर्चिंग नहीं की, आपने सर्चिंग की है, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो नहीं देख रहे। तो डीमोटिवेट की होने की कोई बात नहीं है। जब आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी और जब आप पैसे उनके सामने लाएंगे, फिर वही लोग आपको कहेंगे, वही अपने आप को कहेंगे कि वाह, ये तो बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, हमें भी स्टार्ट करना चाहिए। तो इंशाल्लाह छोटे पैमाने पे आप स्टार्ट करें, आप इन्वेस्ट ना करें, अर्निंग थोड़ी सी पहले कम आती है। जैसे मेरी जो है, अब आप देखें मेरी प्रिपरेशन ऑफ कारुमल जेल पे व्यूज़ देखें, बहुत सारी वीडियोस पे मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, लेकिन मेरी अर्निंग $107 हुई है। ये भी मतलब 2 सालों की मेहनत के बाद हुआ है। अब तो मेरा रास्ता खुल गया है, तो हर महीने इंशाल्लाह आ जाएगी अगर आप मेरा व्यूअर्स साथ दें। तो आपको सिंपल करना है कि आपको मेरी वीडियोस देखनी है, एड्स देखने हैं, दैट्स इट, और मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो इस तरीके से मेरी अर्निंग इंक्रीज होती जाएगी। तो सिंपल सी बात है, आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप चैनल स्टार्ट करें, लोगों को बताएं, लोगों को रास्ता दिखाएं कि इस तरीके से भी आप अर्निंग कर सकते हो। अगर YouTube तो एक मतलब वे है, दूसरे भी काफ़ी ऑनलाइन वेज है जिस तरीके से जिससे हम लोग अर्निंग कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी दूसरे कौन से वेज है जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो फिलहाल आज का जो टॉपिक था मेरा यूट्यूब, जो कि मेरी अर्निंग हुई है, आज मैंने पैसे रिसीव किए और इन पैसों से मैंने क्या किया, इन पैसों से मैंने अपने छोटे भाई बहनों को ट्रीट दी, थोड़े से पैसे उन पर खर्च किए, दे बिकेम हैप्पी एंड दे ब्लेस्ड मी, उन्होंने मुझे बहुत विशेस की और वो बच्चे भी बहुत मोटिवेट हुए। मैंने उनको कहा आप लोग बच्चे हो, आप लोग यूट्यूब चैनल्स बनाओ। मेरा छोटा भाई है अली रज़ा, उसको बहुत शौक है यूट्यूब का, लेकिन यह है कि वो कंटिन्यूटी नहीं रख पाता, बिकॉज बच्चा है, कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होता था कि मैं अपनी कंटिन्यूटी चैनल पर नहीं कर पाती थी, जस्ट बिकॉज कि लेस ऑफ इंटरेस्ट। क्यों इंटरेस्ट लॉस होता था? कि ये होता था कि कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, फॉर एग्जाम्पल व्यूज़ नहीं आते, ये नहीं आता, लेकिन आपको इंटरेस्ट लो नहीं करना, कंटिन्यू रहना है, टच में रहना है। हाँ, गैप आ जाए 1-2 महीने, नो इशू, लेकिन छोड़ना नहीं है। चैनल आपका बना हो, आपकी अपनी प्रॉपर्टी, आपकी अपनी वीडियोस हैं, सालों तक पड़ी होंगी, फिर भी आपको अर्निंग होगी। ऐसे नहीं कि वो वेस्ट है वीडियोस। अब मैंने 1 महीना पूरी वीडियोस नहीं डाली, मेरी पुरानी वीडियोस पे मुझे अर्निंग होती है। तो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है ये। आई होप यू लाइक माई टॉपिक, आई होप आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो आपको सिंपल सी क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो कि अगर आपको कोई चीज़ ना पसंद आई हो, अगर आपको कोई दिल आज़ारी हो मेरी वीडियो से, तो माजरत, एंड मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाऊं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग यूट्यूब, बिकॉज मैंने अर्निंग अपनी कर ली है, तो आई थिंक मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है यूट्यूब के बारे में ना, तो मैं आपको सिंपल गाइड कर सकती हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।